दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम और तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट यानी स्माइल। और स्माइल का बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता होता है जॉय से, और वही रिश्ता है मेरा और जॉय का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर टॉप मोस्ट हीरो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जॉय मुखर्जी की। जॉय का और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं 1950 से जॉय को जानती हूँ। वो भी इतने छोटे से थे, मैं भी इतनी छोटी सी थी। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुखर्जी परिवार का मैं एक हिस्सा थी। जॉय तो खैर मेरे बहुत ही करीब थे, लेकिन बाकी चारों भाई भी मुझे अपनी बहन समझते थे। और वो कहते थे कि हम पांच भाइयों की एक बहन शबानी नहीं है, तबस्सुम भी हमारी बहन है। और सबसे बढ़कर शशोधर मुखर्जी और प्यारी सती आंटी की गोदों में मैं खेल चुकी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है। और अब उससे ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं, इसलिए कि जॉय के बेटे मेरे टॉय और बॉय, अगर मैं ये कहूँ इन दोनों के लिए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शानदार बाप के जानदार बेटे हैं। तभी तो अपने पिताजी की एक फिल्म को, एक अधूरी फिल्म को वो मंजर-ए-आम पे ला रहे हैं, पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि जॉय मुखर्जी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था लव इन शिमला से, उसके बाद आई लव इन टोक्यो, और अब उन्हीं की प्रोड्यूस की हुई, उन्हीं की डायरेक्ट की हुई और उन्हीं की एक्टिंग के साथ पेश कर रहे हैं टॉय और बॉय उनकी फिल्म लव इन बॉम्बे। कैसे मैं भूल सकती हूँ कि इस फिल्म से जुड़े जुड़े कौन कौन महान कलाकार हैं। इस फिल्म में हैं अशोक कुमार जी, किशोर कुमार जी, वहीदा रहमान और रहमान साहब, एंड अबव ऑल संगीत की दुनिया के शहंशाह शंकर जयकिशन की म्यूजिक है। और एक एक गाना ऐसा है कि जब पहली दफे कोई सुनेगा तो बाय हार्ट हो जाएगा। सुपर हिट म्यूजिक, सुपर हिट फिल्म, सुपर हिट डायलॉग। अब मैं बात करूंगी अपने और जॉय के रिश्ते की। जॉय का जो नाम था बिल्कुल वैसी ही उनकी पर्सनैलिटी थी, फुल ऑफ लाइफ। वो जब तक जिए लोगों में खुशियां बांटते रहे, जॉय बांटते रहे, लोगों की मदद करते रहे, हर तरह की मदद, चाहे वो बीमारों की सेवा हो या किसी की फाइनेंशियल हेल्प। उनका हाथ हमेशा लोगों के लिए तैयार था मदद करने के लिए। जॉय कभी भी दुखी, गमगीन और आउट ऑफ मूड नहीं होते थे, हमेशा खुश रहते थे। और एक शेर उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा सूट करता था, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और वो ये है कि दिल दे तो दिल ऐसा परवरदिगार दे, दिल दे तो ऐसा दिल परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी भी खुशी में गुजार दे। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जॉय मुखर्जी का मेरा साथ 1950 से था, और उसके बाद काफ़ी अरसे बाद नासिर हुसैन की फिल्म में हमने साथ काम किया था, फिर वही दिल लाया हूँ। मेरा ख्याल है वो फिल्म बनी थी 1960 या 61 में, लेकिन जॉय ने जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे दिया है, मेरा ख्याल है फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को 100 ईयर्स हो गए हैं, और इन 100 ईयर्स में बात करेंगे लव 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 की। लव इन शिमला के बाद लव इन टोक्यो, लव इन टोक्यो के बाद लव इन बॉम्बे। और जॉय के बेटे टॉय और बॉय की जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता था कि ये फिल्म लव इन बॉम्बे कहाँ है, किस हाल में प्रिंट है। इन्होंने ढूंढा, खोजा और उसे सही तरीके से पेश करके बिल्कुल एक नया और शानदार रूप दे के आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मैं तबस्सुम जॉय की बहन होने के नाते नहीं, बल्कि फिल्म लाइन की एक सदस्य होने के नाते ये कहूँगी कि ये फिल्म जो है देखने के काबिल है, और इसे देख के सबसे ज़्यादा दिल में गुदगुदी और खुशी भी होगी, क्योंकि फुल ऑफ लाइफ फिल्म है, लव का मामला है। जब लव होता है तो लाइफ में मज़ा तो आ ही जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि शंकर जयकिशन जो आज नहीं है, जॉय जो आज नहीं है, अशोक कुमार नहीं है, किशोर कुमार नहीं है, रहमान साहब नहीं है, और हम मोहम्मद रफ़ी को कैसे भूल सकते हैं, मजरूह सुल्तानपुरी को कैसे भूल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक ये दुनिया रहेगी, कहते हैं ना कि कलाकार कभी नहीं मरते, और इस लव इन बॉम्बे में जो महान कलाकारों की पूरी एक फौज आपको नजर आएगी, उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि वो
कभी नहीं मर सकते, शरीर उनका नहीं रहा लेकिन आत्मा उनकी जहां भी है अपने दर्शकों को कह रही होगी, आओ और हमारी ये आखिरी कारस्तानी, हमारा ये आखिरी किया हुआ शानदार बड़ा काम देखो, और इन सब की मेहनत को और उनकी एक यादगार फिल्म को नया रूप दे के पेश किया है टॉय और बॉय मुखर्जी ने। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, भगवान इनकी मेहनत रंग लाए और जॉय की यादों को जिंदा रखे और ताजा रखे। थैंक यू। जय जय हो महाकाली काली कल करने वाली, कर दे दया, अब तो हो गई जेब भी खाली, बाजार में जा भी कर दो हाथों से खाली। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ।